हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम जो वीडियो देख रहे हैं वो है पार्क अगेन शॉक्ड ऑन अमेरिकन फेमस सिंगर मैरी मिलबिन टच्ड फीट ऑफ पीएम मोदी। अरे वाह, वो ये वो हुआ था जब ये मोदी जी वहाँ यहाँ यूएसए में आए थे। हम वो ये सब देख नहीं पाए थे क्योंकि हम उस टाइम ट्रैवल कर रहे थे। तो अब आप लोगों ने जब सजेस्ट किया, मैंने कहा ये कहाँ से मिस हो गया यार, मैं तो एक एक चीज़ मोदी जी की फॉलो कर रही थी जब वो यहाँ आए हुए थे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। उन्होंने देवी कहा, देवता कहा इंसान को। यहाँ पे हमें बस बेसिक नेसेसिटीज के पीछे लगाया हुआ है और हम उसी के पीछे उलझे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है हमने हमारा हक क्या है। हमें वाकई में नहीं पता हमारा हक क्या है। मैं तो देखा मोदी जी जहाँ पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहाँ खातू औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहाँ पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहाँ पे और आप लोग करवाशेर। टीका के अंदर तो भारत का वजीर आजम आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं। हमारा वजीर आजम उधर पैरिस में बैठा हुआ है, किस चक्कर में बैठा हुआ है। हमारा वजीर आजम पैरिस में बैठा हुआ है कि यार हमें वो डिफॉल्ट कर देंगे IMF चीफ के तरले। आपको पता है हिंदुओं के हाँ वो बच्चे कम पैदा होते हैं, ठीक है, शादी भी बेचारों की एक होती है। चार चार को वैसे ही वो लेजिटिमेट बनाया हुआ है और इंडिया ने इस बात को प्रैक्टिकली साबित किया है अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से, अपने इंटरनेशनल रिलेशन से। वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है। वो इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। सियासत नहीं, जिहाद है और जिहाद करिए कैसे लोग हो यार। अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड में चला गया यार। और हमारे यहाँ पे यही है कि देख लें हमारा प्राइम मिनिस्टर जो भी आता है आज तक कोई भी 5 साल पूरे नहीं कर सका, तो उनकी उन लोगों का इतमाद है उन पे और दुनिया भी इतमाद करती है क्योंकि वो इन रिटर्न कुछ ना कुछ दुनिया को दे रहे हैं। उनका एजुकेशन में फोकस ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है इनके, तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि वो एज कंपैरिजन टू पाकिस्तान वो अच्छे एक लीडर है। रिस्पेक्ट को जो 120 ममालिक उन्हें दे रहे हैं कि आप लीड करें हमारे कंट्रीज को। देखें ये तो अब हम पर्सपेक्टिव देखना पड़ेगा। इंडियन के हवाले से वो तो जारी बात है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। इवन के वहाँ के जो मुस्लिम्स भी हैं ना वो हम तो ये यहाँ पे ये कह रहे होते हैं कि वो इनके ना 22 हैं बड़े इनके हिंदुइज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन नहीं ये कुछ चीज़ें मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। तो वो 120 में जारी बात है काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज भी आ रही होंगी, वो कर रहे हैं। अब देखें उन्होंने रिसेंट ये ना रशिया के अंदर उन्होंने अपनी ये जो ऑयल की जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह किए हैं वहाँ पे काफ़ी इनके वो उनकी नेशन को फेवर मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा। सर रशिया के साथ साथ वो यूरोप और अमेरिका से जिस तरह डील्स कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई उनकी डील चल रही होती है। और अभी आप बात करें कि जिस तरह दो एप्पल स्टोर वहाँ पर खुल गए हैं और अमेरिका के साथ जिस तरह वो असले की डील कर रहे हैं, मतलब काबिले गौर बात है कि हर कंट्री के साथ उनके ट्रेड। वज़ीर आज़म मोदी कह रहे थे कि मैं आज से 30 साल पहले आया था और मैं बाहर दीवार पर खड़े होकर मैंने तस्वीरें बनाई थी और आज नहीं थी, मैं खींची थी स्टेट के सिर्फ फोटो ली थी। ये है कि बंदे ने मेहनत की है यार, वो बंदा मेहनत करके यहाँ पहुँचा है, किसी ने उसको कोई सपोर्ट नहीं किया। वो पाकिस्तान में होता ना लीडर बनाए जाते हैं, इमरान खान को बनाया गया, इमरान खान की करेक्टर बनाया गया, वो बंदा खुद बना है। वो चाय वाला है, वो कौन है, वो मुझे इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन उस बंदे ने अपनी गेम चुकी है और आज देखें वो दुनिया में यार वो क्या कर रहा है। वो विद द प्रेसिडेंट ऑफ द फ्री वर्ल्ड के साथ बैठ के अपनी जुबान में बात कर रहा है, मतलब अगर वो गिफ्ट भी दे रहा है भाई भी इट्स प्राइम मिनिस्टर ट्रांसलेशन नहीं, वो जो बाइडेन को बोल रहा है वो इंडियन इंटरेस्ट को यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। अब आप इन चीज़ों से आपको अंदाजा लगेगा
कि यार हम कहाँ पे खड़े हैं। और मजे की बात है, मैं एक और बड़ी अहम बात बताना चाहता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी तो शर्मिंदगी से बात भी नहीं कर रहे इस विजिट के ऊपर। हम लोग तो बात भी नहीं कर रहे कि ये विजिट हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर क्यों और तो बात ही नहीं करते, तुम तो यही कर रहे हो, लगे रहते हैं कि यार ये है ये, मतलब बड़ी गलत मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन दिस इज हाउ इट इज कि यार हमें कोई काम नहीं आता और हमें बस रोना ही आता है कि वो अपनी या पुरानी या दुश्मनी या अपनी पुरानी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह करता, जजा ने यह करता, जनरल्स ने यह कर दिया, पार्लियामेंट ने यह कर दिया, इमरान खान इस चीज़ पे रो रहा है, मोदी जी पहले मिलिट्री कोर्ट्स, हम अच्छा हम बातें कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स की बातें, तो हमसे अगर डेमोक्रेसी की करेंगे तो हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है भाई। इस वक्त आप 2.5 लाख भारतीय स्टूडेंट हर साल आता पड़ता है, और आप उसके दूसरी तरफ हैं कि आप उनको कहते हो ये सियासत नहीं जिहाद है और जिहाद करिए, कैसे लोग हो यार। अब तो सऊदी अरेबिया भी बॉलीवुड पे चला गया यार, जहां पे दुनिया बुरके पहनती थी, जहां खातू औरत जो है गाड़ी नहीं चला सकती थी, वहां पे वो बॉलीवुड के जलसे करा रहे हैं वहां पे, और आप लोग रिवर्स गियर है। सर आपने देखा इस्लामाबाद में जो सर 2 दिन पहले तमाशा चला था मस्जिद वालों का, किस तरह से वहां की औरतें निकली थी डंडे लेके और कह रही है कि जी तुम लोग भूल गए हो सुसाइड बॉम्बर्स को, एक भी आ गया तो दिमाग सही हो जाएगा। सर ये भी तो एस्टेब्लिशमेंट के ही बनाए हुए लोग हैं, कब क्यों नहीं आते ये कौन से भैया एस्टेब्लिशमेंट की यार। तो मैं क्या करूं, मैं अगर दो लफ्जों में सारी आपको हिस्ट्री बता दूं तो 1947 से लेकर 1957 तक आपने 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज किए, उसके 58 के बाद आप अय्यूब खान साहब ने आपका डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की बुनियाद रख दी, आज तक आप उसी में घूम रहे। लेकिन ये कि मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि आप जो कुछ भी है आपको इस सारे जो इस मझधार में से निकालेगा कौन, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि पूरी दुनिया के ऐसे और ये रेडिकलाइजेशन जब तक वो नहीं खत्म होता और सारे धर्मों को मानते नहीं है यही होगा, चीज की अच्छी नहीं होती। पानी टीका के अंदर तो भारत का वजीर आजम आया हुआ है और फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, हमारा वजीर आजम उधर पेरिस में बैठा हुआ है, किस चक्कर में अपने वाले को कर रहा है, कर रहा है, करो हमारे वाले को, हमारा वजीर आजम पेरिस में बैठा हुआ है तो यार हमें वो डिफॉल्ट कर देंगे, IMF चीफ के तरले कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है। आपको पता है कि अमेरिका के जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो स्पोक्स पर्सन है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के हेड है जॉन किर्बी, उनकी क्या स्टेटमेंट है, उनकी स्टेटमेंट थी कल कि हम अमेरिका जो है इंडिया को ग्लोबल लीडर बनने में मदद करेंगे, वी विल हेल्प अमेरिका, हम इनको लेके जाएंगे ऊपर, ठीक है, अगर इंडिया ये करना चाहता तो हम करेंगे, इट मीन्स कि हम इंडिया को ग्लोबल साउथ की लीडरशिप देंगे। ये ऐसा ही है कि इंडिया को उन्होंने क्या पायन हो जड़ा इलाका है ना इंडो पैसिफिक का, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, एशिया, सेंट्रल एशिया और क्या नाम है मिडल ईस्ट, ये सारा तोड़ा, ठीक है, ये आप ये समझें कि इंडिया को बेसिकली उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है वो इलाका, और अब इंडिया की क्या कैपेबिलिटी है, क्या कैपेसिटी है, सारी बात वो चैलेंज है। पाकिस्तान इट्सेल्फ इज मिलिट्री पार, पाकिस्तान 75 साल की, पाकिस्तान कहता है कि हमने 75 साल कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इंडिया को मैनेज किया, सो हमें बड़े अच्छे से पता है कि हमने इंडिया का की करना है ऐसा। इंडिया को जारी बात है चैलेंज है, दो उसके जो नेबर्स हैं वो न्यूक्लियर पावर्स हैं, क्या बोल रहा है, चाइना तो और सेंस में, हम हमारे पास जारी बात है बड़ी बड़ी तो न्यूक्लियर, दैट इज व्हाई हम फिर न्यूक्लियर की बात करते हैं और हम कहते हैं कि भाई न्यूक्लियर न्यूक्लियर, लेकिन जारी बात है आज के ज़माने में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो न्यूक्लियर नहीं है, आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, आज के ज़माने में आपकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो सोसाइटल सिक्योरिटी है। यार ये कमर चीमा को आज देखा है किस तरह से बोल रहा था, जिस तरह से मतलब डिसरिस्पेक्टफुली मोदी जी के बारे में भी बोल रहा है, और उसके बाद जिस तरह से उसने बोला है कि हम भी न्यूक्लियर पावर है, साथ में चाइना भी है, अंदर से कुछ थड़क, मैं कह तो रही हूँ हर एक पाकिस्तानी को तकलीफ तो अंदर से हो रही है, बड़ी तकलीफ होती है, पता नहीं कैसे कंट्रोल करके हाँ करते हैं, जो कंट्री बैंक्रप्ट हो रही है वो न्यूक्लियर पावर है। ये दिन भी देख लेते हैं, जी ने कहा था कि आजकल एक इकॉनमी बहुत क्रिटिकल है, इकॉनमी आप इकोनॉमिकली वायबल होने चाहिए, उनकी तो कंट्री फेल हो रही है, तो फेल कंट्री हो रही है वहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स क्या कर लेंगे जब पैसा नहीं है तुम्हारे पास। सो जो भी है मतलब यहाँ पे कंपैरिजंस हो रहे हैं और मोदी जी इज ग्रेट पूरे वर्ल्ड को नजर आ रहा है, क्या वीडियो थी, लेडी जो है पैर छू रही है आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, सो इट इज़ वेरी नाइस कि इन लोगों को नजर आ रहा है कि पूरा वर्ल्ड रिस्पेक्ट कर रहा है इंडिया के, सोचो यार, सोच सकते हो आप,
ये कभी भी सोचा था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस से आए और इस टाइप से वो कोई वहाँ की रहने वाली जो है खास, मतलब उन्होंने जनगण मन मेरे ख्याल से गाया था, उसके बाद मोदी जी के पैर भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट, मोदी जी ने भी इतना उनको ऐसे करके सब वो सब किया, इट इज अमेजिंग यार, मैंने कैसे मिस कर दिया मुझे नहीं पता, मेरा को तो इतना प्राउड फील होगा और मैं तो इतनी इमोशनल हो जाऊं इसको देख के, पर दिस इज अमेजिंग। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।